नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो लेकर के फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए। और ये बिल्कुल नया बोर्ड है, चाइना मेड किट है ये टीवी की, और अभी इसको नया ही लाया गया है। और लाने के बाद इसको जब इंस्टॉल किया गया तो इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इसमें हीटर तो जल रहा है और सारी हमारी सप्लाइयाँ भी सही हैं और ESD भी हमारा वर्क कर रही है, हीटर जल ही रहा है और सारी सप्लाइयाँ हमारी ओके है, और फिर भी स्क्रीन पर कुछ नहीं आता है। और हमारी CRT भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो इसमें फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट होता है जिसको आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, चाहे आप जितनी देर इसमें, चाहे जितना सामान आप चेंज कर दें, चाहे जिस सेक्शन को उलट के पुलट दें। लेकिन देखिए, ये 180 वोल्ट यहाँ बराबर आ रहा है और हमारा फिलामेंट भी सप्लाई आ रही है, फिलामेंट जल ही रहा है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। फिलामेंट भी हमारा पूरी तरह से काम कर रहा है और फिलामेंट जल भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये स्क्रीन पर कोई लाइट नहीं आती है। तो वैसे तो ये बोर्ड हम चाहें तो ये वापस तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी भी होती है और ये वापस कर देंगे तो वापस भी हो जाएगा। लेकिन ये फॉल्ट इसमें क्या है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो इसमें जो ESD से स्क्रीन वाली जो केबल आई हुई होती है और इस पर लगी रहती है यहाँ पे, ये इसमें जो PCB लगा हुआ होता है, ये PCB ये जो है शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। और जो इसमें ट्रैक लगे हुए होते हैं, जो इसमें लाइन बनी होती है सप्लाई की, वो और ये PCB जो है शॉर्ट हो जाती है और ये ग्राउंड हो जाती है, जिसके कारण से जो अगल बगल जो कैथोड लगे रहते हैं रेड और ग्रीन वाले, वो कैथोड इसमें शॉर्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण से इसमें स्क्रीन पूरी तरह से या बिल्कुल स्क्रीन नहीं आएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है और ये जहाँ इसमें बेस लगा हुआ है और जो बाकी का हिस्सा इसका बचा हुआ है, हम इसको काट देंगे, हम इसको काट करके अलग कर देंगे। और जब इसको अलग कर देंगे आप, तो इसमें जो शॉर्टिंग रहेगी वो हट जाएगी, केवल यहाँ पर जो बेस का पिन है वो लगा रहेगा और हमारा जो ESD से वायर आता है वो लगा रहेगा, बाकी इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहता। और जब यहाँ से इसको काट करके अलग कर देंगे, उसको पूरी तरह से जो इसमें ट्रैक लगा हुआ, चाहे तो उसको काट दें या काटने के बाद, या तो उसको निकाल दें खुरच करके पूरी तरह से। और निकालने के बाद देखिए, हमने इसको यहाँ से इसका कनेक्शन कट कर दिया है। तो ये चाहे चाइना की किट हो, चाहे LG की हो, चाहे सैमसंग की हो, चाहे वीडियो को, चाहे जिस कंपनी की TV हो, इस तरह के फॉल्ट जब भी कोई मिले, इस तरह का एक वीडियो हमने और भी बनाया है। तो इसको जब यहाँ से कनेक्शन इसका काट देंगे, तो उसके बाद आप जब भी देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया है, इसमें सप्लाई दिया है, तो जब भी इसको आप काट देंगे और काटने के बाद जैसे ही आप TV ऑन करेंगे, पूरी तरह से पहले की तरह इसमें जो है स्क्रीन काम करने लगेगी। देखिए, हमने कनेक्शन को काट दिया और स्क्रीन हमारी आ गई है। तो इस तरह का जब भी कोई भी फॉल्ट आपके पास आए, जब पूरा सेक्शन आप देख लें, ESD भी सही हो, पावर सप्लाई भी सही हो और CRT भी सही हो, RGB भी हमारा आ रहा हो, तो आपको केवल यही करना है कि ये कनेक्शन यहाँ से जो स्क्रीन वाला होता है, यही काट देना है बस। जब आप काट देंगे तो पूरी तरह से TV चलने लगेगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो हमारे लगातार आते रहते हैं हमारे चैनल पर। जो कि ये फॉल्ट आपको कहूँ ढूंढने से मिलेगा नहीं सर्किट में, तो केवल यहाँ से कनेक्शन इसका कट कर देना है, जैसे हमने कट कर दिया है कनेक्शन। आप इसको कट कर देंगे, वो जो शॉर्टिंग रहेगी वो साइड हो जाएगी और ये पिन खाली हो जाएगी और TV आपकी ऑन हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।